हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थ्रोन ऑफ ड्रैगन किंग के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बड़े से ड्रैगन को जो कि किसी टाइप की रिबिन से बंधा होता है। एक लड़का उस ड्रैगन के ऊपर लेट कर कहता है, फर्स्ट फॉर्मर ड्रैगन किंग, और अब तुम ड्रैगन क्लैन जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाला है। फिर वो ड्रैगन जो कि यॉबिंग होता है वो ड्रैगन के फॉर्म में चेंज होता है। वो कहता है, चुप रहो, अगर मैं आज तुम्हें नहीं मार सका तो मैं यॉबिंग खुद को मौके पर ही मार डालूंगा। उसकी गुस्से से आंखें लाल हो जाती है। यह सब सुनकर वो लड़का इविल जैसे हंसने लगता है। फिर वो ड्रैगन के गले पर लिपटे हुए उस रिबिन को और टाइट करते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं तुम्हें खुद को मारने का मौका भी नहीं दूंगा। फिर यॉबिंग यानी कि वो ड्रैगन ड्रैगन फ्लैश नाम का एक अटैक करता है जिससे रिबिन टूटने लगता है। फिर वो लड़का ड्रैगन फ्लैश से बचते हुए कहता है, तुम तो सिर्फ एक लोली क्लैन के एक मेंबर हो, तुम्हारे जैसे ढेरों रिप्लेसमेंट्स है, क्या ये सो कॉल्ड ड्रैगन फ्लैश है? फिर हमें यॉफैन को दिखाया जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर टोर्टोइज जो अभी टोर्टोइज की फॉर्म में चेंज हुए होते हैं उनके शेल पर बैठा होता है। जो परेशान होकर कहता है, वो नहीं, थर्ड प्रिंस खतरे में है, इस नेजा की वजह से सिकी कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। अब से हम उस लड़के को नेजा कहेंगे जो कि उसका रियल नेम है। फिर यॉफैन सोचते हुए कहता है, अगर यॉबिंग मर जाता है तो मेरे क्लैन के मोरल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। फिर वो लड़की यानी कि एंसिस्टर ड्रैगन जिसे हम अब से यानगोन कहेंगे वो कहती है, इन्वेस्टिटर ऑफ गॉड्स का डॉक्ट्रिन्स का प्राइमेटाइजेशन शुरू होने वाला है। फिर यॉफैन यानगोन से कहता है, एंसिस्टर ड्रैगन, यॉबिंग को बचाने का कोई तरीका है? फिर यानगोन आसमान में फ्लोट होते हुए सोचते हुए कहती है, हाँ है, लेकिन तुम्हें अपने एसपी का यूज करना होगा। याद रहे कि एसपी हासिल करना आसान नहीं है, एक बार जब तुम इसका यूज करोगे तुम पीछे नहीं हट सकते। फिर यॉफैन कहता है, तो मेरे पास कितने एसपी है? फिर यानगोन कहती है, 4 points, यॉबिंग के लेवल को बढ़ाने के लिए 1 point की आवश्यकता होगी। फिर यॉफैन कहता है, फिर किस लिए तुम हेजिटेट हो रही हो, जल्दी करो और पॉइंट का यूज करो। यानगोन अपना एक बाल तोड़ती है। फिर यॉबिंग की ताकत बढ़ने लगती है, फिर उसका लेवल अप होने लगता है। फिर ये सब देखकर नेजा छलांग लगाकर साइड हो जाता है। फिर कहता है, क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है? फिर यॉफैन स्क्रीन पर देखते हुए कहता है, यॉबिंग अब 2 इमोर्टल की लेवल अप हो चुकी है और वो अब टाई गोल्डन इमोर्टल की लेवल तक पहुंच गया है, ये एक सक्सेस है। फिर प्राइम मिनिस्टर टोर्टोइज कहते हैं, थर्ड प्रिंस ने तो लड़ाई में कल्टीवेशन के एक और लेवल को ब्रेक थ्रू कर दिया है। फिर नेजा को दिखाया जाता है, वो कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी लेवल अप हो गई, तुम अब भी एक लोली क्लैन का एक हिस्सा हो, इसके बारे में इतना अहंकारी मत बनो। यॉबिंग ड्रैगन क्लॉ का एक अटैक नेजा पर करता है। फिर एक ब्लास्ट होता है जिससे नेजा का बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। फिर नेजा अपने हाथ की ओर देखता है, उसका एक हाथ बुरी तरह से कट गया होता है। फिर वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर प्राइम मिनिस्टर टोर्टोइज ड्रैगन को देखते हुए चीखते हुए कहते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, क्या ये थर्ड प्रिंस हो सकते हैं? ड्रैगन किंग, आपको थर्ड प्रिंस को रोकना होगा, नेजा से आप किसी को धोखा नहीं है। फिर यॉफैन सीरियस लुक देते हुए कहता है, ये पहले ही खत्म हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे मारे या नहीं। फिर यॉबिंग कहता है, बिग ब्रदर स्मार्ट है। फिर यॉफैन चीखते हुए कहता है, अब तुम्हारे जाने का वक्त है। फिर यॉबिंग एक अटैक रेडी करता है, स्टार स्काई रॉकेट फ्लैम, उसी के साथ यॉफैन को पॉइंट मिलता है, ड्रैगन क्लैन लक +1। फिर यॉबिंग स्टार स्काई रॉकेट फ्लेम अटैक करता है जिससे ड्रैगन के मुंह से फ्लेम थ्रोवर निकलता है। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस को देख सकते हैं।